गाइस, प्यासी नेचुरल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ पिया। आज मैं आई एक फिर बेहतरीन से टॉपिक के साथ में। गाइस, ये ऐसा टॉपिक है कि हर दूसरे बंदी के साथ ये वाली प्रॉब्लम हो रही है और वो सब कर चुके हैं लेकिन नहीं हो रहा है। ऑपरेशन तक बोल दिया है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी ये वीडियो देखने के बाद में कोई ऑपरेशन कुछ भी और परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो मैं चीजें बताऊं सिर्फ वही फॉलो करना। तो मैं आज बात करूंगी कि पथरी के बारे में, कि पथरी कहीं भी कैसी भी हो उसको गला के, वो भी नेचुरल चीजों से, हम बहुत ही इजीली कैसे निकाल सकते हैं, आपके पेन भी नहीं होगा और नेचुरल चीजों से आप इन सब चीजों को खत्म कर सकते हैं, वो कैसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पथरी होती क्यों है, क्या क्या चीजें होती है जिनकी वजह से पथरी होती है, उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें हम नेचुरल यूज कर सकते हैं कि बिना ऑपरेशन के आप इन सब चीजों से निजात पा सकें, वही सब बातें मैं इस वीडियो में करूंगी आज। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पथरी बनती क्यों है। गाइज, सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजें होती हैं जिनको हम सही से नहीं करते हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी में पथरी बनती है। कहीं पे भी पथरी बन जाती है, चाहे हमारे पित्त की थैली में नॉर्मल तीन चार जगह पथरी होती है, वो सब नहीं बननी चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को कर तो करोगे तो वो गल के पेशाब के जगह से निकल जाएगी। अब सबसे पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे आपके पथरी है या नहीं है या बन गई है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो मैं उपाय बताऊंगी, 5 mm से 10 mm, मतलब 1 mm से 10 mm तक की पथरी को गला के निकाल देता है। सोचो 10 mm बहुत बड़ा साइज होता है, लेकिन इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो इन सब चीजों से निजात पा सकते हो। सबसे पहले ये होती क्यों है कि हमारा पानी पीने का ढंग अच्छा नहीं होता है, नंबर वन। हमारा खान पीन का तरीका अच्छा नहीं होता है, हम योगा एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं, और हम सही तरीके की लाइफ को भी नहीं रूटीन में लाते। ये 3-4 कारण होते हैं, बहुत ही बेसिक और नॉर्मल हैं, लेकिन इनको कैसे सुधार में ला सकते हैं अब मैं वो बताऊंगी कि पथरी ना हो उनके लिए, और पथरी हो गई है तो ना घबराएं, उनको भी हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो नंबर वन, जब भी आप पानी पी रहे हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पानी पीजिए। मतलब कि मैं आपको हर वीडियो में, जो भी नेचुरल चीज़ें की वीडियो में बताती हूँ, हर वीडियो में मैक्सिमम बताती हूँ कि 2 लीटर मिनिमम पानी पीना चाहिए। मतलब 7 to 8 ग्लासेस वाटर आपको इनटेक करना है एनी हाउ इन अ डे। सो गाइस, सबसे पहले आपको पानी सिप कर करके बहना पीना है, बैठ के पीना है, और हर 1-2 घंटे में पीना है। खाना खाने के आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद तक नहीं पीना है। तो ये पानी पीने का तरीका है। तो सबसे पहले जो लोग कम पानी पीते हैं उनके अंदर पथरी बनती जाती है, ये चीज होता है। या नंबर दो, पहले तो आप ये करिए, नंबर दो आप अपने खाने पीने का तरीका सही करिए। जैसे बासा भोजन बिल्कुल मत करिए, बहुत टाइम से रखा खुला रखा हुआ फ्रिज का खाना बिल्कुल मत खाइए। ये चीज आज से ही अपनी माइंड में बिठा लीजिए, फ्रिज में खुला हुआ भोजन बिल्कुल मत करिए, उससे पथरी ही नहीं कैंसर भी बन सकता है। आप कहीं पे भी रिसर्च करके देखो, आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन है कि फ्रिज में खुला हुआ भोजन रखा हुआ या फिर बासा कैंसर, पथरी ऐसे रोगों का को देता है। तो आप ये वाला भोजन बासा बिल्कुल मत करिए, फ्रिज में खुला हुआ रखा बिल्कुल मत कीजिए, तला भुना बिल्कुल मत खाइए, और हाँ, रिफाइंड को अपनी लाइफ से निकाल के बिल्कुल फेंक दीजिए, क्योंकि रिफाइंड बहुत ही बुरी चीज़ है। स्वादिष्ट खाना बनता है, नो डाउट, बहुत टेस्ट आता है, अच्छा खाना बनता है, लेकिन हम बात करेंगे कि ये आपके दिल की बीमारियों को बहुत जल्दी क्रिएट करता है। बेटर इज दैट उन सब चीज़ों से बचने के लिए रिफाइंड को बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। सरसों का तेल यूज़ कीजिए, देसी घी यूज़ कीजिए, सस्ते के चक्कर में मत भागिए। आगे जाके वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, आपको डॉक्टर को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बेटर इज दैट पहले से ही सुधार लीजिए। नंबर तीन, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते तो सिर्फ प्राणायाम भी नहीं कर सकते तो सिर्फ वॉक, ये करना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइज, ये डेली आप ये चीज़ रूटीन में लाएंगे तो आपको इतनी बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, पहली चीज़।
नंबर दो, मतलब ये तो थे कॉजेज जिनको आपको सुधारना है, ये बेसिक चीजें हैं, इनको करके चलोगे तो अगर पथरी हो गई है, नहीं हुई है, होने वाली है, उन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं आप, मतलब कि वो नहीं होंगी। अब हम बात करेंगे कि जिनके पथरी हो गई है, उस पथरी होने के बाद में आप ऐसी क्या क्या चीजें लें कि वो जड़ से खत्म हो जाए और कट कट के टॉयलेट के तरीके से के वहां से निकल जाए, जिससे कि आपको ऑपरेशन ना करवाना पड़े। तो सबसे पहले जो लोग पी सकते हैं उनके लिए, अब प्रॉब्लम है तो आपको करना पड़ेगा, देखो मजबूरी है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो सिंपल इज दैट, आपको क्या करना है, आपको लौकी का जूस मिक्सी में पीस के, मतलब लौकी को बॉयल करके उसके पानी को फेंकिए मत और मिक्सी में पीस लीजिए, और उसमें आधा नींबू डाल के डेली सुबह सुबह पीजिए, नंबर वन। नंबर दो, खीरे के बीज को निकाल के, बीज इस पे भी मैं बात करूंगी, खीरे के बीज को निकाल के उसको भी हल्का सा बॉईल करके, ये तो कच्चा ही, जैसा आपको सही लगे उसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, उसमें भी आधा चम्मच नींबू, काला नमक या फिर सेंधा नमक, इन दोनों में मिक्स करके डाल लीजिए और पी लीजिए। अब मैं बात गाइस बताऊंगी कि जितनी भी बीज से रिलेटेड चीजें होती हैं, एज लाइक टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन, नींबू, मतलब जो बीज जैसे अनार, जिन लोगों के पथरी हो गई है उनको 110% इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम चीजें हैं, जो बीज से रिलेटेड प्रॉब्लम चीजें हैं, सॉरी, या तो वो सब्जी हैं या फिर फ्रूट्स हैं, वही आपकी बॉडी में जल्दी क्रिएट करता है, मतलब पथरी को बड़ा करता है और पथरी बनाता है। तो जब आपके हो गई है उस सिचुएशन में, आप बीज से रिलेटेड खाना पीना अवॉइड करिए। जब भी आपको टमाटर खाने हैं तो बीज निकाल दीजिए, बैंगन खाने हैं तो बैंगन के बीज निकाल दीजिए, जो भी आपकी फैमिली में भी ऐसा कोई बंदा है, नींबू के बीज निकाल दीजिए, अनार अवॉइड कीजिए, जिन चीजों में बीज हो उनको अवॉइड कीजिए। अब एक बहुत छोटा सा सिंपल मैं एक टिप्स दूंगी कि जब भी आप पानी पिए जिनके पथरी है, तो रात को तांबे के लोटे में या तांबे के जग में अपने सिरहाने, बेड के सिरहाने, खाट के सिरहाने, जिस पे भी आप सोते हैं उसके सिरहाने रख दीजिए। सुबह को उस तांबे के पानी को बिना कुल्ला करे, टू से कि बिना ब्रश किए, बिना दांत साफ किए, बिना मुंह साफ किए, आप उस पानी को सिप कर करके धीरे धीरे, पहले आदत डालिए एक गिलास से, फिर आधे गिलास से, फिर मतलब आधा गिलास, फिर एक गिलास, फिर हाफ लीटर, मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपनी पानी की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, और बिना कुल्ला किए, निन्ने निन्ने, टू से बिना कुछ खाए आप ये पानी पीजिए डेली। अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी पथरी कटेगी, क्योंकि आपकी जो रात भर की बनी हुई लार है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, वो आपके अंदर अगर जाता है तो आपके शरीर के काफी सारी चीजों को और सिस्टम को सही करता है। तो आप ये करिए जिनके पथरी हो जाती है। अब मैं बताऊंगी कुछ वैसी दवाएं जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, कि ये तो थे आपके नेचुरल टिप्स जो आपको करने हैं, जिनको करने से आप बहुत सारी चीजों को, मतलब इस पथरी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको कि आप कौन कौन सी दवाएं, जूस और काढ़ा लें, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम से और जल्दी निजात पा सकते हैं। अब आपको आयुर्वेद में क्या करना है, नेचुरल तरीके से आप जो इनको छोटा खत्म कर सकें, एक नंबर वन, आपको कुलथी की दाल लेनी है। कुलथी की दाल आपको हर घर में तो नहीं मिलेगी, लेकिन पंसारी की दुकान पे जाके आपको कुलथी की दाल जरूर मिलेगी। तो आपको क्या करना है, पंसारी की दुकान पे जाना है, आधा किलो या एक किलो कुलथी की दाल ले आनी है, और उसको 1-1.5 घंटे तक बॉयल करके रखना है, और थोड़ा सा बॉयल करके और उसको मिक्स करके उसका काढ़ा, नींबू और नमक डाल के पीना है डेली, जिनके पथरी है बहुत बड़े लेवल पे, तो उनको कुलथी के दाल का जूस बना के ये पीना है। नंबर दो, पत्थर चट्टा एक औषधि होती है, उसके पत्ते जहां पे भी मिल जाए, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मैं वो लिंक ये सब चीजों का मेंशन कर दूंगी, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। तो पत्थर चट्टा के पेड़ भी आता है, पेड़ भी लगा सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो, और वो करके देन आप अपना काढ़ा बना लीजिए, मतलब जूस बना लीजिए, लीजिए और उसको आप डेली निन्ने निन्ने पीजिए, ये बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। अब नंबर तीन, आप गोखरू का काढ़ा मिलता है, पतंजलि या दिव्य, इनके किसी के भी स्टोर पे गोखरू का काढ़ा,
बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही फेमस काढ़ा है स्टोन के लिए, पथरी के लिए। ये आप सुबह शाम एक ढक्कन पीजिए ये। और अशिमरीह का रस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पतंजलि के ही स्टोर पे आपको मिलेगा। सुबह शाम एक ढक्कन पीजिए गाइस। आप ये करके देखिए, जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि दी आपने जो बताया था वो कितना सही है, हमें कहाँ तक इफेक्ट कर रहा है, कैसी कैसी चीज़ें हमें हम कर पा रहे हैं, किस किस चीज़ से हमें बेनिफिट्स हो रहे हैं। सो गाइज, मेरा एक ही छोटा सा कदम है कि आप तक मैं इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ और आपकी जितनी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूँ। बट आप मेरी वीडियोज़ को ध्यान से देखो और सुनो कि मैं क्या बता रही हूँ। मैं ज़्यादा इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। और आप मेरी वीडियोस में जब भी देखने बैठा करें तो नोट डाउन कर लिया करें हर आयुर्वेदिक चीज़ के बारे में, हर रेमेडी के बारे में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चलें और लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो उन सबको रिजॉल्व कर सकें। सो गाइज, मेरी एक छोटी सी ये कदम है कि मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूं। मेरा बहुत मन है ऐसे लोगों की सेवा करने का। आई मीन टू से कि मैं घर घर जाके ये सब नहीं कर सकती, तो मैंने बेटर ऑप्शन समझा कि मैं यूट्यूब के थ्रू ही आप लोगों से कनेक्ट रहूं, अपनी एक फैमिली बनाऊं और मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको दूँ। सो गाइज, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। और अभी के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपका कोई टॉपिक हो या फिर आप कोई बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं या आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपने बहुत टाइम से उस पर बहुत सारी चीज़ें कर ली लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन में आप सिंपल मुझे एक कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगी। आप मेरे चैनल पर जाके देखोगे, मैक्सिमम कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। जब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं रिप्लाई देती हूँ, तो आप उसमें पूछो मुझे कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन किस टॉपिक पे जाननी है, या फिर कोई प्रॉब्लम है जो आपको बहुत परेशान कर रही है, उस चीज़ से आप निजात नहीं पा पा रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर आके बेधड़क फैमिली की तरह पूछ सकते हो कि दी मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। मैं आपको हर चीज़ का रिप्लाई दूंगी और अगर रिप्लाई से काम नहीं बनेगा तो मैं आपको हर टॉपिक पे जो आप पूछोगे उस पर वीडियो रिसर्च करके प्रॉपर टेस्ट करके बनाऊंगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, बाय।